एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ सड़कों पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय आरक्षण पीड़ित वर्ग मोर्चा ने अपने सिलसिलेवार प्रदर्शन के क्रम में आज शहर में रानीताल चौक में अनोखे ढंग से विरोध दर्ज कराया। बेजुबान जानवर गड्ढे को पप्पू और गप्पू की संज्ञा दी गई और उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। एट्रोसिटी एक्ट से समाज विशेष में उपजे आक्रोश की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। आज शहर में भी एट्रोसिटी एक्ट का विरोध सड़कों पर दिखाई दिया, जहाँ राष्ट्रीय आरक्षण पीड़ित वर्ग मोर्चा के सदस्यों ने अनोखे ढंग से प्रतीकात्मक विरोध किया। मोर्चा कार्यकर्ताओं ने दो गधों को पप्पू और गप्पू की संज्ञा दी और अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। मुझे का सम्मान ये सही कर रिसीविंग लो इनसे। रिसीविंग कौन है भाई? ये कौन है? आप हम ही है। ये साहब एक रिसीविंग। राष्ट्रीय आरक्षण पीड़ित वर्ग मोर्चा लगातार 10 अप्रैल से आरक्षण के जातिगत आरक्षण के खिलाफ और अभी हाल ही में अध्यादेश के खिलाफ और जो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने एक आदेश दिया है कि प्रमोशन में आरक्षण गलत है और स्टेट गवर्नमेंट के पाले में गेंद फेंकी है, तो हम लोग ये आज साबित कर अपने प्रदेश सरकारों से जवाब मांगना चाहते हैं कि क्या वो 78% लोगों के साथ है कि 22% लोगों के साथ। हम लोग के विरोध लगातार, जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने अर्थी जुलूस निकाला, 2 अक्टूबर को हम लोग लगभग 100 भैंसों का जुलूस निकालेंगे जिसमें सवर्ण सांसद और ओबीसी सांसद का प्रतीकात्मक विरोध रहेगा। आज आप पप्पू और गप्पू, हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं, ना हमारा प्रधानमंत्री जी से लेना देना है, ना राहुल गांधी जी से लेना देना है।